हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए हेयर फॉल से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए वीडियो लाई हूँ। जैसे कि बाल काफ़ी झड़ना, बाल में डैंड्रफ हो जाना, बालों में स्ट्रेंथ नहीं होना और बालों में काफ़ी रूखापन, कभी कभी हमारे बालों में कभी कभी रूखापन भी हो जाता है और बाल झड़ना तो आजकल की आम समस्याएं बन गई हैं। तो आज मैं उसी के लिए एक होम रेमेडी लाई हूँ, एक घरेलू उपाय लाई हूँ, जिससे कि क्या होगी कि आपके बालों का झड़ना एकदम रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, अच्छी ग्रोथ होगी, बालों में शाइनिंग होगी और बालों में अच्छा स्ट्रेंथ होगा और डैंड्रफ अगर आपके बालों में होगा तो डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगा। तो आइए, जो नुस्खा है ये घरेलू नुस्खा है, ये मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये होम रेमेडी मैं लाई हूँ, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। इससे आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा और आपके बाल बहुत ही हेल्दी और शाइनिंग बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जितना हो सके प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। घरेलू नुस्खा मैं आपको बताती हूँ कि आपके बालों को झड़ना कैसे आप रोक सकते हैं घरेलू उपायों से, बिना किसी केमिकल के, और ये बिल्कुल ही नेचुरल है। इससे आपके बालों में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। देख सकते हैं इस प्याज को हम प्याज जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं बालों के लिए। ये एक होम रेमेडी है जो बालों को अच्छा रिजनरेट और ग्रोथ लाने में काफ़ी मदद करता है, बालों को झड़ना रोकेगा। आप इस प्याज के रस से मैं आपको बताती हूँ कैसे आप इसका होम रेमेडी बनाएंगे इस प्याज से। तो मैंने एक बड़ा सा प्याज लिया है और इसे मैंने यहाँ काट फाइनली चॉप्ड कर लिया है, इस तरह से कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं मैंने इसे काट लिया है। और इस तरह का तरीके से आप एक प्याज मीडियम साइज़ के प्याज को ले, छील ले और इस तरीके से बारीक काट ले और इसे मिक्सर ग्राइंडर में रख के और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पीस लें। जब पीस लेंगे तो एक फ़ाइन पेस्ट तैयार हो जाएगा और उस फाइन पेस्ट को क्या करें, छन्नी की मदद से आप एक कटोरी में लें, छन्नी की मदद से उसे छान लें, उसका पल्प अलग कर दें और उसका जूस अलग कर दें। मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से बनेगा। तो मैंने ये कटिंग करने वाला प्याज लिया है, इसे मैं अब एक जार में रख दूँगी। ये मैंने जार लिया है, देख सकते हैं जार में मैं ऐड कर दूँगी सारे प्याज को। ये देख सकते हैं इस तरीके से ऐड कर लेंगे इसमें। तो इसमें हम लोग पानी डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। मैं आपको फाइन पेस्ट तैयार करके दिखलाती हूँ और फिर इसको छन्नी की मदद से हम लोग इसे छान लेंगे। छानने के बाद इसका जो रस निकलेगा यानी कि जूस जो निकलेगा उसे एक कटोरी में अलग निकाल लेंगे और इसका पल्प जो होगा वो अलग सेपरेट कर देंगे। सल्फर हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। ऑनियन जो है, ऑनियन में सल्फर की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। दोस्तों देख सकते हैं ये एक तरह का फाइन पेस्ट तैयार हो गया। अब इसे छन्नी में हम लोग छान लेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसे छान के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये अब देखिए मैंने छन्नी की मदद से इसे छान लिया है और यहाँ इतने सारे इसके रस निकल गया जूस। इसे ऐसे प्रेस कर करके ऐसे कर करके हम इसे इसका और भी रस निकाल लेंगे, इस तरीके से छान लेंगे। छानने के बाद हमें ये जो रस इसका तैयार हुआ है जूस, इस जूस को हम लोग अपने बालों पर अप्लाई करेंगे। तो बालों पर अप्लाई करना है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इसमें हम लोग 2 चम्मच ऑलिव ऑयल मिक्स करेंगे या फिर 2 चम्मच दो से तीन चम्मच ये कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आपको जो ऑयल सूट करता हो आप वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं ऑयल इसमें ऐड करके बताती हूँ। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच अपने बालों की लंबाई के हिसाब से आप ऑयल लें और उसमें मिक्स कर दें। ये देखिए ये मैंने ऑलिव ऑयल लिया, मेरे पास ऑलिव ऑयल था तो मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। ये 1 स्पून 2 स्पून और ये 3 स्पून अपने बालों की लंबाई के हिसाब से आप
ऑयल ले और स्पाइस प्याज की क्वांटिटी बना सकते हैं, प्याज के जूस की क्वांटिटी बना सकते हैं और इसे ऐसे हम मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसमें एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं और आप चाहे तो इसमें लेमन जूस भी मिला सकते हैं। लेमन जूस मिलाने से क्या होगा कि जो आपके बालों में डैंड्रफ होगी ना, वो डैंड्रफ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी और आपके बाल बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो आप लेमन का यूज़ करें और आपके बालों में अगर डैंड्रफ नहीं है तो नहीं। अगर ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा शाइनिंग आपके बालों को देगा, बहुत ही अच्छा शाइन देगा बालों को। तो ये होम रेमेडी बिल्कुल तैयार हो गई है। इस बालों को इसे मतलब इस जो जूस ये प्याज का निकला है, इसे हम अपने बालों के जड़ों पर लगाएंगे और अच्छे से मसाज करेंगे। इसे ऐसे अप्लाई करना है, इस तरीके से अपने बालों के जड़ों में ऐसे ऐसे हम लोग धीमे धीमे अप्लाई करेंगे और ऐसे ऐसे मसाज करेंगे। इसे 5 से 6 घंटे तक अपने बालों में रहने दीजिएगा और शैम्पू करने से पहले इसे लगाइएगा। इसे लगाकर बालों में लगाकर ऐसे छोड़ दीजिए और 5 से 6 घंटे के बाद शैम्पू कर लीजिए। उसके बाद ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें, इससे आपके बालों का झड़ना बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। प्याज एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें कुछ भी आपको ये केमिकल वाला कोई जैसा चीज़ नहीं है जिससे आप प्रॉब्लम होगी। और इसमें लेमन जूस थोड़ा सा मिला लीजिएगा तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ, बाय बाय।